नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज सुशील पहलवान की एक और बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, हम सभी को पता चल चुका है दोपहर। दोस्तों, इसके बारे में कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको बताने वाले कि क्या है खास अपडेट, आप भी जान लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देख के आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है सामान्य अपडेट। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और भी चाहते हैं कि सुशील कुमार से संबंधित आगे की जानकारी, तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, हम आगे की बात करें वीडियो में, तो सुशील कुमार काफी समय से फरार चल रहे थे। इसे चलते पुलिस ने उनके ऊपर 1,00,000 रुपए का नकद इनाम रखा हुआ था। पहलवान सागर धनगढ़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील के गिरफ्तारी की पुष्टि की है, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। अब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिटेल्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशील के साथ उनके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार काफी दिनों से इस मामले में फरार थे। उनके खिलाफ लोट आउट नोटिस भी और गैर जमानत वारंट भी जारी कर दिया गया था। सुशील ने गिरफ्तारी से चलते बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली में मॉडल टाउन एसपी ने नियुक्ति में 2 इंस्पेक्टर और 1 दर्जन पुलिसकर्मी उनकी तलाश में पंजाब गए थे। सुशील और उनके साथी को मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए ढूंढ गया। उनके खिलाफ पुलिस के 1,00,000 रुपए का नगद इनाम भी गया। उनके साथी अजय पर 50,000 का इनाम रखा गया था। आरोपी की 4 मई की रात सागर धनगढ़ की समेत 3 लोगों की सुशील ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर लिया था। सुशील एवं उसके साथियों के छत्रसाल स्टेडियम में इनके साथ मारपीट हुई थी, जिसमें सागर की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 ग्रुप में मारपीट हुई, जिसमें 23 सालीय वर्ष के सागर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस सागर के पिता दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं। ये झगड़ा मॉडल टाउन इलाके की एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुआ था, तब की सुशील कुमार के साथियों के साथ फरार चला गया। इसके बाद खबर आई थी कि सुशील कुमार हरिद्वार एक बड़े आश्रम में छिपा हुआ है। वह उन्हें मेरठ टोल नाके पर 6 मई को दिखाई दिया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसे उन्हें नेपाल भाग जाने की फिराक में होने की बात बताई गई थी। वहीं मृतक सागर के परिवार ने कहा है कि सागर पहले छत्रसाल स्टेडियम में ही रहता था और उसे सुशील का विश्वास था। 8 साल तक सागर ने छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग की थी और कई मेडल भी जीते थे। सागर के पिता अशोक ने कहना है कि अगर उनके बेटे ने कुछ गलत किया था तो उसे छत्रसाल से बाहर कर देते, उन्हें बता देते कि वो सागर को समझाते, लेकिन गुरु होकर भी भला नहीं जाए, सागर की जान ले ली। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि सुशील कुमार लगातार मोबाइल सिम बदल रहा है, उनके कई रिश्तेदारों और करीबियों के छिपने में मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार अब तक 15 से ज्यादा सिम खरीद चुका है, जिसका इस्तेमाल वो अपने घर परिवार के लोगों से बात करने के लिए कर रहा है। दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला, हम इस मामले पे पूरी नजर रखे हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहे हैं और देते रहेंगे। दोस्तों, आप भी चाहते हैं सुशील कुमार से जुड़ी तमाम अपडेट जानना, तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।